अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल सनर्श वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऑलिव्स रिव्यू प्लस ऑलिव्स के फायदे। तो चलिए जान लेते हैं। ऑलिव्स टू टाइप के होते हैं, ब्लैक और ग्रीन। ऑलिव्स ऑयल का इस्तेमाल सब्जियों में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कैंसर से बचाव करने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फ्रूट भी सेहत के लिए उतना ही लाभकारी है जितना कि इसका ऑयल। तो चलिए इसके फ्रूट के फायदे जान लेते हैं। ऑलिव्स खाने से खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। इसे खाने से दिल से जुड़ी कई परेशानियां दूर होती हैं। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ऑलिव फ्रूट के सेवन सलाद या पास्ता में डालकर भी ले सकते हैं। मानसिक तनाव दूर करने में भी ऑलिव का फ्रूट बहुत लाभकारी है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है उन्हें ऑलिव खाना चाहिए। 1 कप ऑलिव में भरपूर आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। ऑलिव शरीर में चर्बी घटाने में भी मदद करता है। ऑलिव का सेवन करने से मोटापा घटता है। उसी तरह से विटामिन मिनरल से भरपूर ऑलिव आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। शरीर में कैल्शियम की कमी दूर करने में भी ऑलिव बहुत ही फायदेमंद है। ऑलिव फ्रूट ऑलिव ऑयल खाने से इस तरह के कई और भी फायदे हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऑलिव हम घर पर कैसे स्टोर करेंगे और इसे हम कैसे कट करेंगे, पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम ऑलिव का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हमें चाहिए एक बोल ले लेंगे। बोल में हम सारा इस तरह से ऑलिव ले लेंगे। जो ऑलिव के अंदर ऑरेंज कलर का है उसे हमें हटा लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक आइसक्रीम स्टिक ले लेंगे और इस तरह से हमें इसे कट कर लेंगे। थोड़ा सा आगे से हम शार्प रखेंगे। एक ऑलिव हाथ में ले लेंगे और इसे बैक साइड से थोड़ा सा हम इस तरह से हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे, निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे हल्के हाथों से निकाल लेंगे और हम इसे हटा लेंगे। जब भी हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक और एयर टाइट कंटेनर ले लेना चाहिए। इस तरह से हम सारा निकाल लेंगे और इसे हम नाइफ की मदद से कट करेंगे। इस तरह से हम इसके पीसेस बना लेंगे। इस तरह से हम इसे कट करेंगे और एयर टाइट कंटेनर में हम सारा डालकर जो हमने ऑलिव का लिक्विड निकाला था वो लिक्विड हम इसमें डाल के फ्रिज में हम रख लेंगे, इसे स्टोर करेंगे। फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, इसे हम फ्रिज में रखेंगे और एयर टाइट कंटेनर में ही हम इसे रखेंगे। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना है तब आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा इसका जो लिक्विड है वो हमें फेंकना नहीं चाहिए। हमें इसका लिक्विड इसी में डाल के रखना चाहिए, तभी वो फ्रेश रहते हैं, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। हम इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से उसे परचेस कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड एवरी अपडेट फ्रॉम सनर्श वर्ल्ड। एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। अनटिल देन कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।